गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे और आगे भी खुश रहना और स्वस्थ रहना। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो इस प्रकार है। यहाँ पे मैंने तुरई काट के रखी है, मैं तुरई की सब्जी बना रहा हूँ। ये तुरई काट के रखा है मैंने। मैं आपको कटिंग करके नहीं दिखा पाया, बट आगे आपको मैं कटिंग करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने इसका मीजा करके रखा है जो हम इसमें सब्जी में डालेंगे। जैसे देखो आप, गार्लिक है, ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, टमाटो एंड कोरिएंडर। तो दोस्तों ये मेरा मीजा है जिससे हम तुरई की सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखा है और मैं इस पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत खाने के बाद अच्छा रहता है खाने में और हेल्दी भी रहता है। बहुत कम ऑयल डाल रहा हूँ मैं। आप अपने हिसाब से चाहे कितना भी ऑयल डाल सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑयल कम खाएं और स्वस्थ रहें। दोस्तों हमको मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से कुक करना है जिससे कि इसकी कड़वा कड़वापन होता है ना मस्टर्ड ऑयल में, और इसकी एक अलग सी स्मेल होती है, वो खाने में स्मेल नहीं रही। इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑयल का कलर थोड़ा फीका पड़ चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है, क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल को इसलिए कुक करना ज़रूरी है, इसके अंदर कड़वापन रहता है और इस खाने में अगर कच्चा तेल हो जाता है तो स्मेल आती है, इसलिए ऑयल को अच्छे से कुक करें। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कुछ इंडियन स्पाइस रखे हैं। यहाँ पे जीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है और ये सब्जी मसाला है। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें जीरा डालेंगे बहुत कम, उसके जीरे के साथ साथ हम इसमें गार्लिक डालेंगे, इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको हल्का ब्राउन कर रहा हूँ और मेरी गैस की देख सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों गार्लिक ब्राउन हो चुका है। इसमें अब ऑनियन डालेंगे हम, ऑनियन इसमें कम ही रखें क्योंकि ऑलरेडी तुरई तुरई में अपनी मिठास होती है सब्जी में। जब सब्जी कुक हो जाती है तो तुरई अपने आप में ही मिठास लाती है सब्जी, इसलिए मैं ऑनियन इसमें कम डाले और ऑनियन को अच्छे से ब्राउन कर लें, क्योंकि ऑनियन नहीं पकता है तो खाने में टेस्ट नहीं आता है, फिर ऑनियन कच्चा रहता है, खाना पानी पानी होता है और फिर उसमें टेस्ट भी नहीं आता, फिर मीठा मीठा, अगर ऑनियन कच्चा रहेगा तो मीठा हो जाता है पकने के बाद, इसलिए ऑनियन को अच्छे से पकाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑनियन ब्राउन हो चुका है हल्का हल्का, इसको थोड़ा और कुक करना है हमको। आपको मैंने बताया था कि कुक इसलिए करना कि सब्ज़ी टेस्टी बने एंड सब्जी में मिठास ना आए। रहता ना कि ऑनियन कच्चा रहता है तो पकने के बाद अजीब पिल पिल टाइप का होता है और टेस्ट भी उसे ख़राब कर देता है खाने का। तो दोस्तों गार्लिक एंड ऑनियन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम टमाटो डालेंगे। एंड टमाटो डालने के बाद दोस्तों हम इसमें हल्का सॉल्ट डाल देंगे जो हमारे टमाटर को जल्दी गलाएगा और जल्दी कुक करेगा। तो दोस्तों मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर के साथ साथ हम इसमें तुरई डाल देंगे। मेरे पास पलटा नहीं है इसलिए मैं इसको इस पौनी पौनी यूज कर रहा हूँ। इसको हमने अच्छे से कुक करना है इसी में ऑनियन और टमाटो में, उसके बाद इसमें हल्का थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि तुरई वेजिटेबल वैसे भी पानी छोड़ता है, तो तुरई पानी छोड़ेगा वैसे सब्ज़ी अच्छा बन जाएगा और आपको हल्की तरी ग्रेवी भी हो जाएगी। हमको इसको अच्छे से ब्राउन करना है दोनों को, ऑनियन छोड़ी टमाटो और तुरई को, बहुत देर तक हमें चलाते रहना है।
तो उसके बाद इसको हम हल्का इसको हमने स्टीम देना है। मैंने इसको ढक दिया है, जो उसका फ्लेवर होगा वो अंदर ही रहेगा। तुरई अंदर अंदर सोक करेगा सॉल्ट को, तो उसके अंदर सॉल्ट जाएगा, टेस्ट आएगा खाने में सब्जी में। दोस्तों इसको मैंने स्टीम 3 मिनट हो गए स्टीम देते देते, अब इसको हम चेक करेंगे। हो चुका दोस्तों। अब इसे हमने कोरिएंडर पाउडर डालना है, अब 1 टीस्पून है। इसमें हमने टर्मरिक पाउडर डालना है, ये 1/2 टीस्पून है। इसमें सब्जी मसाला डालना है, ये भी 1/2 टीस्पून है। हल्का थोड़ा और डालेंगे सब्जी मसाला, एंड इसमें हल्का सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था जो टमाटो के लिए, टमाटो का साथ डाला था, और हल्का सॉल्ट और ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों सब्जी काफ़ी यम्मी लग रही है। अब इसको हम खा के बताएंगे आपको कैसा था टेस्ट इसका। आई होप टेस्ट अच्छा ही हो। दोस्तों सब्जी हमें रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसको हम टेस्ट करके बताएंगे आप। देख सकते हो दोस्तों सब्जी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको बॉल में डाल रखा है। आप देख सकते हैं काफ़ी यमी लग रहा है। अब मैं इसको खाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे भी और अच्छी वीडियो बनाऊँगा, मुझे मोटिवेशन दे प्लीज़। थैंक यू सो मच दोस्तों।